हेलो दोस्तों, आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हुसैनी और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम हाइड्रोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। सो हाइड्रोलॉजी होता है एक ऐसा साइंस जिसमें हम पानी के ऊपर स्टडी करते हैं, पानी के डिफरेंट फॉर्म, उसके ऑकरेंस, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड और इन एटमोस्फियर। मतलब पानी डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में रहते हैं, जो कभी एटमॉस्फेयर में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, कभी प्रेसिपिटेशन होके ग्राउंड में आता है, फिर पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी रहता है। तो ये सभी चीजों को क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होता है, सभी को इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, सॉरी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पढ़ने से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पानी का जो यील्ड है, मतलब एक जो रिवर होता है, जो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं, उन सभी बेसिन्स का जो यील्ड, कितना पानी ये कैरी कर सकता है, कितना पानी उसका कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, ये सभी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो हम धीरे धीरे उन सब चीजों के बारे में समझने वाले। तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है जैसे प्रिसिपिटेशन मतलब अगर कैचमेंट को हम सिस्टम मान ले, कैचमेंट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है जहाँ पे हमारा पानी कलेक्ट होता है उसको कैचमेंट बोल सकते हैं। इसमें इन डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। सो एक्चुअली बात यह है कि कैचमेंट में पानी सब कलेक्ट होता है। सो प्रेसिपिटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारा जो क्लाउड्स के फॉर्म में रहता है जो पानी, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके अर्थ में आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल और फॉग एटसेट्रा, ये सभी फॉर्म में आते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये कैचमेंट में कलेक्ट होता है। कैचमेंट में क्या होता है, रन ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी बह के जाता है। कई पे कैचमेंट लॉसेस होता है, जैसे इवापोरेशन मतलब पानी जब आते हैं एटमोस्फेयर पे ग्राउंड में, वो फिर से इवापोरेट होके क्लाउड के फॉर्म में चला जाता है। इन्फिल्ट्रेशन एटसेट्रा, ऐसे सभी बहुत सारी चीजें होता है। ट्रांसपिरेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होता है जिसके प्रोसेस से कैचमेंट में लॉसेस होता है। मतलब पानी, आपको समझाने के लिए ये एक ग्राफ दिखा देता हूँ हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। जैसे ये क्लाउड है, क्लाउड से ऐसे पानी आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एसेट्रा, फॉग एसेट्रा। पानी आने के बाद फिर यहाँ पे ग्राउंड में गिरने के बाद कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, कुछ पानी पैरों से फिर से क्लाउड वेपोराइज हो जाते हैं, वेपोराइज होकर ट्रांसफर, ये जो पैर पौधों से होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो पानी से, मतलब पानी के जो रिवर बेसिन से, वो रिवर बेसिन से जब फिर से गैस फॉर्म होके फिर एटमोस्फेयर में चला जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिर सर्फिस रन ऑफ, ऐसे बहुत सारे चीजें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। सो नेक्स्ट हम देख लेते क्या है। सो आफ्टर दिस हमारा है एप्लीकेशन। तो इसको अप्लाई कहाँ करें? सो जैसे कि मैंने बताया कि हम इस सब्जेक्ट में, हम हाइड्रोलॉजिक सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वाटर की यील्ड, बेसिन का जो यील्ड होता है, इसके एप्लीकेशन क्या होता है, हम क्या क्या इसका फायदा ले सकते हैं, जैसे कि डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे डैम बनाने के लिए। सो हमारा जो बेसिन है वो कितना लो, मतलब कितना वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, सभी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम एक डैम बना सकते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जितने सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ब्रिजेस है, वो सभी चीजें कैलकुलेट करने के बाद, मतलब वो जो रिवर बेसिन के डिफरेंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद बनाया जाता है। इसके कारण हम हाइड्रोलॉजी में सभी चीजें पढ़ते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग, सो हाइड्रोलॉजी के ऊपर, मतलब कैसे कितना प्रेसिपिटेशन होता है, कितना पानी ग्राउंड में आता है, सभी चीजें स्टडी करने के बाद हम फ्लड किस किस ईयर में हो सकता है, कैसे चांसेस है, क्या चांसेस है, वो सब भी फोरकास्ट कर सकते हैं। और इस फोरकास्टिंग के ऊपर हम मैनेज भी कर सकते हैं, अगर फ्लड आए तो क्या क्या नेसेसरी मेजर्स लेना चाहिए, ये सभी चीजें हम जान सकते हैं। फिर मैनिपुलेशन इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, बॉडी का वाटर सप्लाई, मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना पानी वाटर सप्लाई करना है टू सिटी, अर्बन वाटर सप्लाई, जो सभी चीजें है ना वो हम देख सकते हैं। फिर हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब हमारे जो पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
वो हम देख सकते हैं। फिर पोल्यूशन कंट्रोल, सो पानी से बहुत सारा पोल्यूशन भी, पानी पे बहुत सारा पोल्यूशन भी हो सकता है, वो भी हम रोक सकते हैं। बहुत सारे चीजें नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं। नेविगेशन, पानी से हम नेविगेट भी करते हैं, सो पानी के ऊपर जैसे बोट, वो जो बहुत सारी चीजें, वो सभी नेविगेशन फैसिलिटीज भी होता है, वो सभी चीजें हम देख सकते हैं इफ यू स्टडी हाइड्रोलॉजी प्रॉपरली। फिर ड्राउट मैनेजमेंट, कई कई एरिया में पानी की मतलब बारिश की कमी के कारण बहुत सारे पानी की कमी होता है, वो सभी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम देख सकते हैं। इन सभी चीजों में हमारा हाइड्रोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, उसका हेल्प होता है हाइड्रोलॉजी स्टडी का। सो अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो वाटर रिसोर्सेस है, वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स के कितना 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 वाटर रिसोर्स है। टोटल हमारा 1380 मिलियन किलोमीटर क्यूब ऑफ वाटर है अर्थ में, जिसमें से 97.2% वाटर सेलाइन है, मतलब नमक है उस पानी में। फिर फ्रेश वाटर है 2.8, ग्लेशियर है 2.15, डीप बिलो द ग्राउंड है 0.32%। वो सभी चीजें आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। फिर दिस इज इम्पोर्टेंट कि 0.33% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड कंजम्पशन, मतलब 0.33% ही हमारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। दैट मींस हम अगर कैलकुलेट करें तो 4.5 मिलियन किलोमीटर क्यूब। एनुअल कंजम्पशन, सॉरी, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ वर्ल्ड इज 100 सेंटीमीटर। जो प्रेसिपिटेशन जो हम मेजर करते हैं वो बाद में देखेंगे, ऐसे आप मान के चलिए कि ये 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा ये टेस्ट ट्यूब है और जिसका डायमीटर है, जिसका रेडियस है 1 cm, सॉरी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 cm², जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका 1 cm² है। सो अगर हम उसको मेजर करें पूरा वर्ल्ड के एवरेज डिफरेंट पार्ट में ले ऑन एन एवरेज पूरा डिफरेंट वर्ल्ड में हमारा जो प्रेसिपिटेशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब 100 मीटर पूरे साल में अगर मेजर करें तो ये 100 सेंटीमीटर तक ये भरेगा पूरा वर्ल्ड में, अगर सब मेजर करें ऑन एन एवरेज ये 100 मीटर तक भरेगा। मतलब इसको हम अच्छे से बाद में समझ लेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज हमारा जो पानी एक टेस्ट ट्यूब वो 1 सेंटीमीटर भरने के लिए एक साल लगता है, वो मतलब जितना पानी वो भरेगा एक साल में वो 100 सेंटीमीटर है ऑन एन एवरेज। सो देखते हैं कि एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया कितना है। दिस इज 119.4 और हमारा जियोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज दिस वन, जिसको हम अगर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^-5 से, सॉरी, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो, सो इस 10^-5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अगर एक 1 सेंटीमीटर 1 cm² का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया के लिए अगर 119 सेंटीमीटर अगर भरता है पानी भरता है, मतलब 119.4 सेंटीमीटर पानी भरता है 1 cm² के लिए पूरे साल में, सो पूरे इंडिया की जो एरिया है वो एरिया से कितना पानी भरेगा, सो वो कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई, ये 1 सेंटीमीटर एरिया के लिए, अगर 1 सेंटीमीटर एरिया के लिए इतना होता है तो पूरे इंडिया के एरिया के लिए, पूरे इंडिया का एरिया जो है वो ये है, पूरे इंडिया के एरिया के लिए कितना पानी भरेगा वो, इससे अगर हम पूरे इंडिया का एरिया मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 3.28 × 10^6 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे, ये किलोमीटर में है, ये पूरा किलोमीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो उतना पानी हमारा इंडिया में अवेलेबल है फॉर आवर कंजम्पशन पर्पस। सो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इंडिया प्रेसिपिटेशन के तौर पे जो आता है वो 3916 है, इंक्लूडिंग स्नोफॉल ऑफ वाटर, स्नोफॉल टोटल वाटर अवेलेबल इज 4000 km³ है। इवेपोरेशन लॉस, उसमें मतलब जो पानी आता है वो 700 km³ पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब हाँ वो हो जाता है। फिर हमारा वाटर सोक इनटू ग्राउंड, मतलब जो पानी आता है स्नोफॉल के तौर पे वो 2150 वो पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है। फिर तो नेट अवेलेबल वाटर जो हमारा स्नो से मिलता है, स्नोफॉल से मिलता है, वो 4000 - 700 जो इवेपोरेशन लॉस होता है और माइनस जो ग्राउंड पानी सोख लेता है वो इतना है, तो इतना अवेलेबल होता है स्नोफॉल से पानी।
देयरफॉर अगर टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड हम देखे विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ऑफ द वर्ल्ड हम देखे तो हमारे इंडिया में ओनली 0.025% ही कंज्यूम होता है स्नोफॉल से मिलता है ओनली दिस मच ऑफ वाटर वी गेट फ्रॉम स्नो इन इंडिया सो अभी पढ़ लेते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जो भी डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट स्टेट में पानी मूव करते हैं वो सभी मूवमेंट का वो साइकिल देख लेते जैसे कि आपको पहले भी दिखाया है प्रेसिपिटेशन इन्फिल्ट्रेशन ट्रांसपिरेशन सरफेस रन ऑफ इवेपोरेशन ड्रेनेज और डीप सीपेज ग्राउंड ये सभी चीजें अभी देख लेते हैं कि क्या क्या इनको डिटेल में नाम में देख लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखे रखा है सो वाट आर सर्कुलेटिंग साइकिल्स विच शोज हाउ टू सर्कुलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर फ्रॉम विद टाइम मतलब समय के हिसाब से जो पानी एक जगह से दूसरे जगह में सर्कुलेट होता है और इसके साथ साथ अपने डिफरेंट फॉर्म में रहता है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में रहता है जैसे कि प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन मतलब जो पानी क्लाउड से मतलब एटमोस्फेयर से जो ग्राउंड की तरफ आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो फॉग फॉग नहीं ड्यू कह सकते हैं एक्सेट्रा सो फिर इवेपोरेशन होता है इवेपोरेशन मतलब हमारा जो पानी है वो बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सन सन के सन से एनर्जी लेके जो इवेपोरेट हो जाता है उसको हम इवेपोरेशन जो वेपोराइज होता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं फिर ट्रांसपिरेशन जो हमारा पेड़ पौधे होता है पेड़ पौधे के लिप्स से जो पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इन इन गैसेस फॉर्म दैट इज वाटर वेपर निकलता है जो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्री इसको हम ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन वो सिमिलर टू दिस हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे बाद में फिर इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा पानी ग्राउंड में आने के बाद ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं फिर सरफेस रन ऑफ मतलब पानी जो हमारा डिफरेंट रिवर्स में लेक्स पॉन्ड वहां पे होता है वो सभी चीजें रन ऑफ में होता है सो इस तरह हम पहले लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और फॉर न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग